पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का नैशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ उस इजलास में पाकिस्तान के सैलाब की सूरत हाल भी डिस्कस हुई और वजी अजम हाउस की जो ऑडियो लीक है उस हवाले से भी ऐलामिया में बताया गया कि बातचीत हुई और ऐलामिया में ही कहा गया कि इस हवाले से एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है जिसकी सदारत राना सनाउल्ला वज़ी दाखिला करेंगे और इस हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग भी दी अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नाजीन पाकिस्तान का कहा जाता है कि हाइस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है और इस फोरम की सरबराही करते हैं वज़़र अज़म वफाकी वज्रा भी होते हैं चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ होते हैं चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान और इसकी सदारत कौन कर रहा था सदारत इसकी कर रहे थे शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ी अजम बने जिस दिन उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में फ़र्द जुर्माएनी थी और चंद सहूलत कार चंद साजिशों की मदद से वो बायदा तौर पर इकतदार में आए और ये केस उसके बाद से जो सूरत हाल नाज्रन वह आपके सामने के चल नहीं रहा जो फ़ैसला किया गया कि राना नाल इस कमेटी की हाई पावर्ड कमेटी की सरब्राहि करेंगे तो इससे एक दो मतलब निकाले जा सकते हैं और तजिया किया जा सकता है कि फ़ौजी क्यादत ने कहा है कि जी हमें इससे बायर रखें और आपने जो भी इसमें गंद घोलना है जो भी आपने चीज़ें करनी है अपने सियासी मकासद के लिए उसको आप उसी तरह से ले कर चलेंगे और राना नाजीन जो वज़ी दाखिले हैं ये वही शख्सियतें जिनका नाम मॉडल टाउन के केस में भी आया था बायदा इंक्वायरी रिपोर्ट थी और उसमें इनके हवाले से कुछ रोल एट्रीब्यूट किया गया था लेकिन मॉडल टाउन के लोगों को आज तक इंसाफ़ नहीं मिला तो पी ऑफिस की जो ऑडियो लीक्स हैं इस पर क्या वाकई कोई चीज़ निकलेगी मेरी जतीी राय इस हवाले से यह है कि ये मिट्टी पाओ प्रोग्राम हुआ है और इस पर आगे मज़ीद कार्रवाई क्यों नहीं होगी क्योंकि जो सारे किरदार हैं इसमें वो सबको पता है कि कौन से किरदार हैं किस कौन क्या कार्रवाइयाँ डालता है और ये ऑडियो लीक्स कैसी हुई क्योंकि ऑडियो वीडियो लीक्स का धंधा पिछले कुछ अर्से से चल रहा है अगर इस पे वाकई कार्रवाई करनी होती और नियति होती तो जिस दिन पहली ऑडियो लीक साइन थी तो उसी दिन को इंक्वायरी हो जाती जिस दिन शौकत तरीन सबक वजीर ख़जाना और तैमूर झगड़ा जो खैबर पखूं के फाइनेंस मिनिस्टर है उनकी ऑडियो लीक आई तो उस पर बाकायदा तौर पर नून लीक के कायदीन ने भंगड़े डाले और इल्ज़ाम लगाए और फिर एफ़ आई ए ने शौकत तरीन को बुला लिया एक नोटिस दिया कि नाब आए पेश हों ये नहीं उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की कि जनाब ये शौकत तरीन की और तैमूर झगड़ा की ऑडियो लीक कैसे हुई उन्होंने कहा जो आईएमएफ के हवाले से आपका स्टैंड है एक सियासी स्टैंस है जो कि शौकत तरीन टी पे भी बताते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बताती रही उस हवाले से आए कि जनाब आपने ये क्या करने की कोशिश की है जी हाँ ये वही स्टैंड था जो पाकिस्तान तहरीक़ का अपने पुलटिकल मकासद के लिए कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और दीगर इनके इतहादी अपोजीशन में थे तो इमरान खान की हकूमत पी टी आई जब आई एम एफ़ के साथ डील कर रही थी तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जनाब ये तो पी टी आई आई एम एफ़ बन गया और उस वक्त एग्जैक्टली उसी तरह से इन्होंने मुखालफत की थी जिस तरह पी टी आई ने अब मुखालफत की तो ये मामला आगे चलेंगे नाजीन मल इस मिट्टी पाव प्रोग्राम की एक और मिसाल अगर आप लेना चाहें तो डॉन लीक्स का वाक़ हुआ नाज़ी डॉन लीक्स के जो तमाम किरदार थे उस वो बेनकाब भी हुए उस हवाले से हमारे तहकीक़ती इदारों ने बड़ी ज़बरदस्त तफ्तीश भी की वो इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी बनी और उसमें एम आई शामिल थी मिलिट्री इंटेलिजेंस आई एस आई इंटेलिजेंस ब्यूरो और दीगर अफसरान इस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा थे और उन्होंने नाजीन जो रिपोर्ट दी और हमने जब उन रिपोर्ट्स के तक ये रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई लेकिन जो जरा ने बताया कि इसमें बाकायदा तौर पर सी निकली थी सी के चार्ट बने और फिर मरियम नवाज़ किस किस को कॉल कर रही थी जब ये डॉन लीक्स हुआ वो सारा चार्ट भी उसका हिस्सा था लेकिन फिर इसहाद डार ने उस वक्त भी एक कार्रवाई दिखाई थी अगर जी देखें बेटियां तो सांझी होती हैं निकाल दें और फिर उस पर बाकायदा मिट्टी डाल दी गई हालांकि जब पहला नोटिफिकेशन एक्शन का इस हवाले से हुआ था तो आई की तरफ से बाकायदा एक ट्वीट आया था कि दिस नोटिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड लेकिन क्योंकि शहबाज नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे और नवाज़ शरीफ साहब इस्टेबलिशमेंट को डील करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्होंने फिर जब दोबारा इस पर कुछ स्टैंड लिया तो आई एस पी आर दोबारा बैकफुट पे पर गया और आई एस पी आर ने एक और ट्वीट की कि जी हकूमत ने जो कर दिया कर दिया लेकिन अगर नाजीन आप ये नोटिफिकेशन देखें तो इसमें एक और शख्सियत का नाम आता है तारिक फ़ाति उस वक्त उनका अहदे से बाकायदा तौर पर उन्हें हटाया गया और जब दोबारा अब शहबाज शरीफ जो उस दिन वज़ी अजम बने जिस दिन उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की फर्दे जुर्माए हुए आते ही उन्होंने उन्हें, उन्हें, उन्हें एडवाइज़र फ़ॉन अफेयर्स के पोर्टफोलियो में दोबारा एंट्री दी लेकिन फिर उन्हें वो भी हटाना पड़ा जो डॉन लीगस के मामले पे नाजिन बाकायदा मिट्टी डाली गई उसे बंद किया गया और अगर डॉन लीगस पे एक्शन हो जाता उस वक्त तो क्या दोबारा पीएम ऑफिस से कोई चीज़ लीक होती डॉन लीक्स में इशू क्या था उस पर जनरल राहल शरीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान और दीगर ने जो गुफ्तु की थी सिक्योरिटी मामलों पे वो बाकायदा तौर पे लीक की गई थी तो अगर निब द इवल इन द बर्ड उस वक्त हुआ होता तो क्या आज ये ऑडियो लीकस आ रही होती शायद नहीं आ रही होती लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जब भी नून लीग हुकूमत में होती है तो पी ऑफिस इतना लीक करना कैसे शुरू कर देता है क्या ये जो इमरान खान और आज़म खान की जो इन्होंने ऑडियो लीक की कहीं इसके पीछे और मकासद तो नहीं है जो शहबाज शरीफ मरीम की ऑडियोज़ लीक हुई हैं फिर दीगर वज़रा की ऑडियोज़ लीक हुई हैं ये कैसे हो रहा है ये कौन सा निज़ाम है कि नून लीग युग के दौर में ये तमाम लीकेजेस यहाँ से होना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान में नाजीन जब भी ये हाई पावर्ड कमीशन और इंक्वायरीज़ बनती हैं इसका मतलब होता है मिट्टी डालो और राना नाल्ला साहब अब ये तहकीकत करेंगे किस तरह से करते हैं राना नाल्ला ने तो उस वक्त भी तहकीक़ात नहीं के बड़े बल के मुस्कुराते हुए बताया था कि जी इमरान खान की कुछ वीडियोज़ भी हैं लेकिन वो हमने रिलीज़ नहीं की और कुछ साफियों का दावा है कि उन्हें दिखाई भी गई किसी ने यह सवाल नहीं किया कि जनाब ये वीडियोस बनाता कौन है ये ऑडियोज़ बनाता कौन है ये धंधा गोरख धंधा करता कौन है शायद तमाम स्टेक होल्डर्स को इसका इल्म है और आइन का आर्टिकल 14 जो इस हवाले से कि प्राइवेसी ऑफ द होम और डिग्निटी ऑफ मैन उसका ख्याल रखा जाएगा वो ब्लेटेंटली वायलेट हो रहा है और इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है आ, दो में सुप्रीम कोर्ट में आ, जो रिकॉर्ड पेश हुआ उसमें पता लगा कि जी इतने हज़ार कॉल्स हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ रिकॉर्ड करती हैं बकायदा सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो केस चला था वह हकूमत बाकायदा इस इशू पर बर्खास्त की गई कि उनकी हकूमत जज साहिबान की ऑडियो कॉल्स रिकॉर्ड करती थी और वह हकूमत बर्खास्त हुई इस बात पर और उसके बाद अब इसे नॉर्मल लेना शुरू कर दिया कि जी चलें ये तो चीज़ें होती रहती हैं इसमें क्या सवाल करना कि जी ये कौन आर्टिकल 14 की वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान में वो सवाल नहीं आता अब इमरान खान और आज़म खान की ऑडियो नाजिन जिस तरह से रिलीज़ की गई उसमें बाकायदा सब भी की गई ये हैकर की तरफ से रिलीज नहीं हुई और सब टाइटलिंग में भी डंडी मारी गई बिल्कुल उसी तरह डंडी मारी गई जिस तरह कैलिबरी फॉन्ट का एक इशू बनाया गया जालसाजी का एक कतरी खत एक बाकायदा तौर पर जालसाजी से पेश किया गया और इसके पीछे मकसद क्या है पूरा मकसद ये है कि जी वो जो साइपर है रिजीम चेंज ऑपरेशन पे पीटीआई और इमरान खान कह रहे हैं वह तो ऐसी चीज नहीं लेकिन आ, कहते हैं ना झूठ के पाव नहीं होते तो वहां पर आखिर में आके जहां पर इमरान कह रहे हैं हाँ ये इमरान खान कह रहे हैं ये साजिश है तो उसको कह रहे हैं हाँ इसको साजिश बना दो तो वहाँ भी टैंपरिंग करके पाकिस्तानी कौम के साथ झूठ बोलने की बाकायदा तौर पर कोशिश की गई अब इससे कुछ निकलेगा जो राना सनाउल ने इंक्वायरी करनी है मेरी जाती राय तो है कि इस हवाले से इसमें कुछ नहीं निकलेगा और उसकी वजह है कि पाकिस्तान में आपको याद होगा नारिन नाइन इलेवन का एक वाक्य हुआ था एप्टबाद पर बाकायदा अमरीकी उशा बिन लादिन को मार दिया और उसके बाद भी हमने एक एप्टाबाद कमीशन बनाया था उस एप्टाबाद कमीशन की रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई जैसे लामिया में कहा गया कि जी साइबर लॉज हम बनाएंगे साइबर पॉलिसी बनाएंगे जो एपटाबाद पे हमला हुआ था उसामा बिन लादिन को मारा गया उस वक्त भी इसी तरह की डिबेट्स हुई थी काबीना के फैसले आए थे पार्लिमान की जो डिफेंस कमेटी है उसके मिनट्स रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि हमारी जो साइबर थ्रेट्स हैं उस हवाले से हमें पॉलिसी बनानी है और बड़े गम व गुस्से का इज़हार किया गया था कि जी एन एस ए जो जो अमरीका का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वो पाकिस्तान में स्पाइंग कर रहे और ये रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका का जो टारगेट कंट्रीज़ है तीन जहां पे सबसे ज़्यादा एन एस करता है देखता है चीज़ें उसमें चाइना ईरान और पाकिस्तान शामिल है और उसमें जितनी भी हमने उस वक्त पॉलिसीज़ बनाई थी सिविल मिलिट्री क्यादत ने उसका क्या हुआ फिर एप्टाबाद कमीशन रिपोर्ट का क्या हुआ एप्टाबाद कमीशन रिपोर्ट आज तक रिलीज़ नहीं की गई और वो उसकी एक कॉपी फिर अलज़ीरा पे आई और उसमें कुछ चीज़ें हमें पता लगी कि यहाँ पे हुआ क्या है सिक्योरिटी लैपसिस कैसे हुए हैं लेकिन उस पर किसी को मुरदे इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया एक और मिसाल नाजरीन आप ले लें हमदुररहान कमीशन रिपोर्ट उन्नीस सौ इकहत्तर के वाक़े पर बनी कि हमारा मशरक़ी पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग कैसे हुआ उसकी वजूहत क्या थी जो बंद कमरों में उस वक्त फैसले हो रहे थे ज़िम्मेदारान कौन थे और उन्हीं बंद कमरों में जो जिम्मेदारान थे जिन्होंने फ़ैसले लिए जिन पर हमदुररहान कमीशन रिपोर्ट जिसकी एक कापी इंडिया से रिलीज़ हुई पाकिस्तान में आज तक रिलीज़ नहीं हुई वहाँ से पता लगा कि बंद कमरों में जो फैसले हो रहे थे जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी वो जिम्मेदार थी हमारा मशर पाकिस्तान हमसे अलग हुआ लेकिन वो रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की गई हामिद मीर साहब पे नाजिन हमला हुआ था आपको याद होगा और उस हवाले से भी एक कमीशन बना था बाकायदा तौर पे मैंने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से एक पटिशन फाइल की और जस्टिस मोहसिन अख्तर कीानी ने उस वक्त हुकूमत से पूछा कि जनाब इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत तो काबीना ने कहा नहीं जी नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मुफाद में हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते क्यों पब्लिक नहीं कर सकते क्योंकि अगर शायद पब्लिक करते तो पता लगता कि हामिद मीर पे जो हमला करने वाले थे वो कौन लोग थे किसने इसकी प्लानिंग की कहाँ पे प्लानिंग हुई और फिर हामिद मीर पे बाकायदा उस वक्त हमला किया गया और हामिद मीर उसमें अल्लाह के करम से बच गए और ये वाली रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की गई तो अब क्या राना सनाउल्ला जो रिपोर्ट बनाएंगे वो पब्लिक होगी मेरा नहीं ख्याल के पब्लिक होगी क्योंकि डॉन लीक ले लें आप हमूदुररहमान कमीशन रिपोर्ट ले लें ऐप्टाद कमीशन रिपोर्ट ले लें जो जो कमीशन पाकिस्तान में बने उनकी रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई चंद रिपोर्ट सिर्फ पब्लिक हुई इमरान खान के दौर में जिसमें शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है वीट स्कैंडल की रिपोर्ट है पेट्रोलियम क्राइसिस की रिपोर्ट है एक रिपोर्ट इमरान खान के दौर में भी पब्लिक नहीं की गई और उसमें बताया गया जी हमारे कौमी मुफाद में इसको पब्लिक ना किया जाए आई पी पी कमीशन रिपोर्ट उसकी एक कापी हमारे पास आ गई थी जो हमने बाकायदा तौर पर नाज्रीन पब्लिक की और उसमें जब आप चीज़ें देखते हैं तो आपको पता लगता है कि चंद कार्टिल्स चंद मुफाद परस अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तानी कौम जो महंगे महंगे बिजली के आप बिल दे रहे हैं वो किस वजह से दे रहे हैं लेकिन उस रिपोर्ट को भी छुपा लिया गया क्योंकि अगर वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आती तो पता लगता कि जनाब ये जो कौमी मुफाद की मीठी गोली कौम को दी जाती है इसके पीछे चंद खास मखसूस लोगों के अपने मुफादात होते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई वज़ी अजम हाउस में सवाल ये बनता है यहाँ पे कि जब भी नून लीक इकदार में होती है तो उन्हीं के दौर में चीज़ें लीक क्यों होती हैं क्या वज़र अजम हाउस वाकई सिक्योर है इकतीस मार्च दो हज़ार बाईस को जो इमरान ख़ान की ज़र सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उस वक्त भी शायद आर्मी चीफ़ को ये एहसास था कि यहाँ पर कन्वर्सीशन रिकॉर्ड होती हैं यहाँ से लीक होती हैं कोई ना कोई इन कन्वर्सीशन को सुन रहा होता है और हमारे अहम जरा ने हमें बताया ये बात चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने डॉक्टर शेर मजारी ने जब चंद सवाल उठाए थे रिजीम चेंज के हवाले से डोनल्ड लू के ख़त के हवाले से तो उसके जवाब में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने यह बात की थी वहाँ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी चंद बातें की थी और चंद इंतहाई अहम सवाल उठाए थे मैं चंद जरा से बात कर रहा हूँ नाजरीन इस हवाले से और एग्जैक्ट उसमें क्या क्या बातें हुई चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ ने क्या बात की आर्मी चीफ़ ने क्या बात की डी जी आई एस आई ने क्या बात की वफाकी वज्रा ने क्या बात की आ, कोशिश करेंगे कि जैसी वो मालूम हमें मिलती हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से वो आपके साथ शेयर करें बाकायदा तौर पे और आपके इल्म में आए कि किस तरह से एन एस सी में जो बातें हुई उस वक्त बातें हुई और उसके बाद आई एस पी आर का एक पब्लिक स्टैस भी इस हवाले से सामने आया और फिर जो प्रेस रिलीज उस वक्त सामने आई जिसमें कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में यह ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो ऑडियो नाजरीन रिलीज की गई है उसके पीछे मकसद सिर्फ एक है और उसमें दो नंबर इस तरह से डाली गई है कि उसके टेक्स्ट को बाकायदा चेंज किया गया है ट्रांसलेशन में ताकि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाया जाए पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल बेवकूफ नहीं है जो कैलिबरी फॉन्ट में जिस तरह से कार्रवाइयां डाली गई कतरी खत जिस तरह से पेश किया गया उसी तरह की कार्रवाई डाली गई इस ऑडियो लीक में जो आजम खान और इमरान खान के हवाले से थी इमरान खान उसमें कह रहे हैं तो फिर ये तो साजिश हुई और उसको तब्दील कर, गया, कर दिया गया कि जी इसे साजिश बना दो और जो भी उसमें बातें हुई वो फिर अट्ठाईस मार्च को जो मीटिंग हुई थी फॉरन सेक्रटरी की एक बकायदा कन्फर्म करिए ऑडियो लीक के नून लीक ने जो अपनी तरफ से साजिश की थी वो उल्टा उनके अपने गले पड़ गए अन फिलहाल के लिए इतना ही अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.